कोविड 19 संकट के दौरान भी हरियाणा माध्यमिकता कार्यालय लोगों की शिकायतों को दूर करने व कोर्ट को हर संभव सहायता मुहैया करवा रहा है ताकि मामलों का निपटान शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा माध्यमिकता बलदेव राज महाजन ने बताया कि कोविड 19 के दौरान मार्च में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि सभी जरूरी केस मेंशनिंग के द्वारा सुने जाएंगे। सभी आवश्यक मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट सुनेगी और असाधारण व जरूरी केस को ही सुना जाएगा। इसी को देखते हुए हरियाणा माध्यमिकता कार्यालय ने भी निर्णय लिया और जरूरी व अति आवश्यक प्रकृति के केस के लिए लॉ अफसरों को ड्यूटी पर लगाया गया। उन्होंने बताया कि शुरू में 5 से 10 मामले आते थे और इन मामलों को निपटाने के लिए 1 या 2 लॉ अफसर को रखा गया, लेकिन कोविड 19 की अवधि ज्यादा बढ़ने से शिकायतें भी बढ़ने लगी तो कोर्ट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर सुनवाई तेज कर दी। उन्होंने बताया कि अब लगभग 30 से ज्यादा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि सुनवाई और केस की फाइलिंग ऑनलाइन ही चल रही है तथा सॉफ्टवेयर व ईमेल के माध्यम से ही केस की फाइल और मेंशनिंग हो रही है। जो सुनवाई है वो सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, क्योंकि कोरोना के कारण अभी फिजिकल कोर्ट्स की वर्किंग तो पॉसिबल नहीं हो रही, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हीरिंग से भी मेजर लोगों की जो ग्रीवेंस है वो हल करने की कोशिश कर रही है। जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था तो कोर्ट्स भी लिमिटेड ही केसेस सुन पा रही थी, लिमिटेड कोर्ट्स ही लग रही थी इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी, लेकिन आज की डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मोर देन मतलब भी 2/3 जजेस अप्रॉक्सीमेटली काम कर रहे हैं। तो उसके कारण जो अर्जेंट ग्रीवियंस जितनी भी है लोगों की वो सारी कोर्ट केस सुन भी रही है, वो चाहे उनकी सिविल केसेस से रिलेटेड ग्रीवियंस हो, उनकी क्रिमिनल केसेस से रिलीवियंस ग्रीवियंस हो या कोई और भी ग्रीवियंस हो, तो इवन प्राइवेट केसेस को भी जो अर्जेंसी इन्वॉल्व है कोर्ट इस समय सुन रही है। तो इस समय मैक्सिमम ग्रीवियंस तो है, लेकिन कुछ डिफिकल्टी तो रहेगी आज के समय में, क्योंकि कोरोना के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो फिजिकली तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सबकी सेहत ठीक रहेगी तभी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो इसलिए सिस्टम को भी प्रॉपर रहे, लोगों की ग्रीवेंस भी हल सके, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैक्सिमम हीरिंग कोर्ट जो है पॉसिबली जितना भी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड पॉसिबल हो सकता है प्रोवाइड करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सबका जो है केस सुनने की कोशिश कर रही है। ग्रीवियंस अभी फंड्स के बारे में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहले था ये एक्सपेक्टेड नहीं था भी इतनी डिमांड एकदम हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाएगी, तो उसके माध्यम से अब एकदम जो इतनी अभी फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अपने ही जो फंड्स है उसी के माध्यम से सारे सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। सरकार को हम लिख रहे हैं अभी एडिशनल फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसे लगता है अभी टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गई है, वैसे तो हमारी स्टेट डिजिटलाइजेशन के मामले में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था भी इतनी जल्दी टोटली डिपेंडेंसी कोर्टों की डिजिटलाइजेशन पर हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी बढ़ने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बढ़ाने की जो है नेसेसिटी है, हम अपने लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफिस लेवल पे जितनी पॉसिबल है उसको कर रहे हैं। सरकार को भी हमने कहा है भी एडिशनली भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करे जाए, फंड्स प्रोवाइड करे जाएं, ताकि हम बेस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें और उसके कारण लोगों की ग्रीवेंस वो है रिजॉल्व करवाने में कोर्टों में उनकी हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें कोर्टों को, एक इफेक्टिव असिस्टेंस कोर्ट्स को जाए, ये इस माध्यम से हम पूरी कोशिश एडवोकेट जनरल के ऑफिस के माध्यम से देने की कोशिश कर सकते हैं। अभी जैसे क्योंकि एडवोकेट कोरोना के कारण काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी लिमिटेड लोगों का काम है, तो एडवोकेट्स की भी अपनी ग्रीवियंस है, अभी उनका काम नहीं चल रहा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी है। तो एक हरियाणा एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बना हुआ है, जिसके एक्ट के नीचे जो हरियाणा के वेलफेयर एक्ट के नीचे एडवोकेट्स मेंबर है उनको नॉर्मली तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ये होता है कि किसी डेथ के केस में, किसी ग्रीवियस जो है डिजीज़ के केस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी एक ट्रस्ट जो वेलफेयर फंड कमेटी की ट्रस्टीज की मीटिंग है उसमें ये रिजॉल्व किया गया कि ये जो प्रॉब्लम आई है कोरोना के कारण जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आई है ये कोई और जो बाकी डिसीज रूटीन में होती है उससे भी एक्सेप्शनल नेचर की है,
और इस समय एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो इसलिए उसमें कमेटी में अभी रिजॉल्व किया गया है भी जो फंड के वेलफेयर फंड के एडवोकेट्स के पैसे है और जो उनके मेंबर है 2 करोड़ रुपये का अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है एडवोकेट्स को प्रोवाइड करी जाए जो भी फंड के मेंबर है, क्योंकि इस समय इमीडिएटली इनकी फाइनेंशियल हेल्प की जिनको ज़रूरत है। तो उसके नाते से हमने एप्लीकेशनें सारे वेलफेयर फंड के मेंबर जितने भी एडवोकेट्स हैं उनसे मांगी है, अप्रॉक्स मोर देन 50,000 एडवोकेट्स ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन फार्मली स्क्रूटनाइज हो रही है अभी उसके लिए और उनसे बैंक अकाउंट लिया है और बहुत शॉर्टली हम उनको जो फंड है विद इन डेज मतलब उनको ट्रांसफ़र करेंगे उनके बैंक अकाउंट्स में एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वन टाइम मैयर। उसके लिए गवर्नमेंट से भी हमने इनफॉर्मल अप्रूवल ली है क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो सरकार ने एक्ट और रूल बना रखे हैं, लेकिन सरकार भी एक्सेप्शनल सिचुएशन को सरकमस्टांसेस को जानते हुए इनफॉर्मल हमें परमिशन दे दी गई है भी आप इस तरह कर सकते हैं, इनफॉर्मली और जो हमारे पास उसकी परमिशन है इन ड्यू कोर्स हमें ग्रांट कर देगी सरकार। इस तरीके से हम एडवोकेट्स को भी जो जितने भी है इस कोरोना पीरियड में जो भी फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है पॉसिबली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।